नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ आपके तीन प्रमुख प्रश्न हैं कि क्रिकेटर बनना या एजुकेशन में जाना क्या अच्छा रहेगा, जीवन रेखा में इस तरह की तब्दीली का क्या अर्थ होता है और वैवाहिक दाम्पत्य जीवन इनका कैसा रहने वाला है। इसके बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहले यहाँ पर जब भी क्रिकेट या किसी भी तरह से स्पोर्ट की बात आती है तो मंगल की मजबूती को हथेली में देखा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने शारीरिक बल के द्वारा, अपने टैलेंट स्किल्स के द्वारा, अपने क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस पाते हैं, उनके हथेली में मंगल और शुक्र की स्थिति बेहद मजबूत होती है, क्योंकि मंगल तो यहाँ पर फोकस और डेडिकेशन और किसी भी काम करने के लिए जो जुनून, बल और हिम्मत चाहिए वो दे रहे होते हैं, और शुक्र यहाँ पर नाम, सम्मान, धन दौलत, वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो आपने बहुत बार ये देखा होगा कि जो भी व्यक्ति स्पोर्ट में है उनके पास वेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट या फेम अपने आप आ रहा होता है। तो इसके पीछे प्रमुख कारण शुक्र का है। शुक्र ये सारी लग्जरीज, कंफर्ट व्यक्ति को मंगल के साथ में मिलकर देना शुरू करते हैं। यहाँ पर 100% इन्हें क्रिकेट लाइन में ही जाना चाहिए, इनका मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है। सभी तरह के जो कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं उन्हीं का मंगल उन्हें उच्च स्तर पर लेकर के जाता है, और इनका मंगल इस तौर तरीके का है कि सारे कॉम्पिटिटर इनके लूज हो जाएंगे, बस इन्हें इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, सराउंडिंग मिलना चाहिए और अपने ओर से एक्सट्रीम एफर्ट डालना चाहिए। तो यहाँ पर यह मंगल इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति देने के साथ में पूरा जीवन परिवर्तन करके दे देंगे। अभी जो भी इनकी आर्थिक स्थिति रहेगी या पारिवारिक स्थिति रहेगी, इनके मंगल के बल के कारण सबकी स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी होते हुए या बहुत बड़े स्तर तक अपने कुल में पहुंचते हुए ये देखने को मिलेंगे। इसके पीछे दो कारण हैं मुख्य। एक तो जीवन रेखा में इस तरह की तब्दीली होना। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई जीवन रेखा एक समान चलती है तो ये एक समान लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी इस तरीके से किसी इंसान का लाइफ लाइन चेंज हो रहा होता है तो एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट देता है ये। आज तक 100% केसेस में 100% ही ये देखने को मिला है कि इनके लाइफ में, जिनका इस तरह की लाइन होती है, लाइफ में एकाएक बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन होने लगता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। नेम रिस्पेक्ट तो बाकी सारे एलिमेंट हैं ही, लेकिन मेन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये सभी बहुत ज़्यादा वेल्दी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नए जीवन के उद्गमन का स्तर को दर्शा रहा होता है। वही चीज़ इनके हथेली में भी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइफलाइन यहाँ दिखेगा, दूसरा लाइफलाइन यहाँ जनरेट होता दिखेगा, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि जब इनका जन्म हुआ था तब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन या रिसोर्सेज या फैमिली कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इनके जन्म के बाद और उम्र 8 से लेकर के 12 साल के बाद में इनका जीवन में इनके भाग्य के कारण भी जो पारिवारिक जीवन है, जो घरेलू जीवन है और जो आर्थिक स्थिति है, इन सब में सुखद यहाँ परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसका पूरा पिक्चर हमें जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 34 से लेकर 38 के मिड का ड्यूरेशन। अब इस पीरियड में होना ये है कि इनका जो भी लाइफ यहाँ से जनरेट हुआ है, यानी उम्र तकरीबन 17 के आसपास से जो प्रॉपरली जनरेट होगा, यहाँ पर जो इनका कर्म, मेहनत और किसी भी तरह का पराक्रम होगा, इसका पूरा संपूर्ण असर 34 तक आते आते मिल जाएगा। तो 34 के इस एज तक इनका लगातार कंपटीशन रहेगा, लगातार एफर्ट डालने होंगे, लगातार अपने स्किल को इन्हेंस करना होगा, लेकिन ये जितने भी स्तर का मेहनत रहेगा ये इतना नाम, सम्मान, धन दौलत और एक तरीके से योग्यताओं को बढ़ा देगा जिसके कारण आने वाला संपूर्ण जीवन पूरा का पूरा अच्छा रहने वाला है। 34 से लेकर के 78 के ड्यूरेशन तक इनके लाइफ में ना पैसों की कमी रहेगी, ना कम्फर्ट लग्जरी की, ना नेम रिस्पेक्ट की और ना ही काम की। ये इतना पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह होता है। एक नए जीवन को ही ये प्रारंभ कर रहा है, एक नए तरह की पहचान ही दे रहा है। जो व्यक्ति अपने कुल में बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाते हैं, जिनके सरनेम के कारण लोगों को पहचाना जाने लगे, तो इस तरह की रेखाएं हमें देखने को मिलती। बहुत सारे क्रिकेटर के हाथ में या बहुत सारे स्पोर्ट लाइन से जुड़े लोगों के हाथ में ये कॉम्बिनेशन पाया गया है और वो एक्सट्रीम लेवल के सक्सेसफुल रहे हैं और नेम रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा उनको दुनिया के द्वारा सराहना मिला है। ये चीज़ इनके जीवन में लिखा हुआ है, निश्चित रूप से होगा, इसीलिए इनको पढ़ाई के बजाय क्रिकेट लाइन या स्पोर्ट लाइन में ही एट द एंड आगे बढ़ाना सर्वाधिक शुभ फलकारी रहने वाला है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है एक्सट्रीम सक्सेसफुल होने का, वो है सन लाइन का मजबूत होना। यहाँ सूर्य का क्षेत्र अभी जो है दबा हुआ है, लेकिन अभी जैसे उम्र भी कम है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा किसी भी तरह की ताकत या योग्यताएँ, खासकर टैलेंट स्किल बढ़ना शुरू होगा,
तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। अभी ये अंडर कॉन्फिडेंट है, फोकस में कमी है, खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, ये सभी तरह की चीज़ें होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद सूर्य का इतना मजबूत होना पिता के सम्मान को बढ़ाता है, कुल के नाम को बढ़ाता है। ये जहाँ जाएंगे इनकी पहचान अपने आप निर्मित होना शुरू होगी। ये आगे से फ्रेंड नहीं बनाएंगे, लोग आगे से इनके पास आकर के जुड़ेंगे। थोड़ा सा अगर सूर्य और इनका बलकारी हो गया, जिसका उपाय भी दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से 17-18 साल की उम्र तक आते आते इनको बहुत अच्छा प्लेस लाइफ में या एक तरीके से स्थान जीवन में देखने को मिलेगा, जहाँ से लगातार तरक्की करते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि इधर पे एक सपोर्टिव लाइन भी आ रही है और ये निश्चित रूप से 14-15 साल की उम्र क्रॉस करते से ही मछली का चिन्ह में हो जाएगा, जिसका तात्पर्य यह है कि कुलदीपक होना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होना। ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग कहलाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा रईस हो जाते हैं अपने जीवन में। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा देखा है। और फिर इसके बाद में छोटे मोटे चिन्ह जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे साइन तो अभी और बनने बाकी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन रेखा में इस तरीके का परिवर्तन और सूर्य रेखा की इस तरह का बल, मजबूती, ये एक्सट्रीम लक को रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट लाइन में। क्योंकि यहाँ मंगल के तरफ से भी सपोर्टिव लाइन निकला है, जिसके कारण डिवाइन हेल्प भी इन्हें बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसीलिए इस विषय में आगे बढ़ना अच्छा है इनके लिए। तो जीवन रेखा में जो तब्दीली का प्रश्न था, वो आप कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे कि ये जब जीवन स्तर में बढ़ोतरी होता है, तब इस तरीके का लाइन हमें देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ पर वैवाहिक जीवन के बारे में, तो अभी तो फिलहाल कोई स्पेसिफिक लाइन या साइन नहीं है, लेकिन तब भी अगर शुक्र को देखा जाए तो ये बेहद मजबूत स्थिति में है। चंद्र से भी भाग्य रेखा आ रही है, गुरु की स्थिति भी बलकारी है, और जो यूनियन लाइन है उसमें भी हम देख सक रहे हैं कि अभी और इससे स्ट्रांगली बिल्ड होना बाकी है। लेकिन ओवरऑल शुक्र और गुरु की स्थिति अच्छी होने का तात्पर्य ही ये होता है कि पारिवारिक जीवन के साथ में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। कंफर्ट, लग्जरीज, ये सभी तरह की चीज़ें तो सभी तरह लाइन बतला रही हैं, लेकिन पार्टनर भी बहुत ज़्यादा लक्की इनके लिए आने वाले हैं और ज़्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में कराने वाले हैं। क्योंकि मून लक लाइन में ऐसे जातक जितना जन्म स्थान से बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, उतना ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ व सहयोग के कारण तरक्की करते हैं, जिसके कारण पार्टनर का भी आना बाहरी दुनिया लोगों में से ही होता है, तो वो उनके आने से और ज़्यादा लक इन्हेंस होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे दिखाई दिए, परंतु अब कुछ कमी है, उसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो लगातार इनका रेखा आ रहा है, ये चिंता रेखा होता है और ये खासकर माइंड लाइन पर आकर के अफेक्ट कर रहा है, तो इन्हें गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं, और किसी भी तरह की अगर लत आदत लगी तो उससे पीछा छूटना मुश्किल रहेगा, क्योंकि राहु की लाइन एडिक्शन मेजरली देती है लाइफ में, माइंड लाइन को कनेक्ट करें तो। तो इस कंडीशन में पहले से ही बहुत ज़्यादा संस्कारी होना, रिचुअल फॉलो करना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखना, बहुत ज़्यादा कर्मठ होना, जितने भी गुण हैं वो अभी आने वाले 1.5-2 साल के अतिरिक्त इनके अंदर आ जाए, तो ये राहु रेखा का हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हथेली है, ये इतनी शार्प पाम है कि ऐसे जातक जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं उसमें लगातार उन्नति करते जाते हैं। अगर क्रिकेटर बन रहे तो बड़े स्तर के बनेंगे, बिजनेसमैन बन रहे तो बड़े स्तर के बनेंगे, वैसे ही अगर किसी गलत आदत में लग गए तो उसमें भी बड़े स्तर पर जाते हैं। तो इस विषय में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि परमात्मा इतनी सारी योग्यताएं जब किसी को देता है, इतना अच्छा भाग्य देता है, तो कुछ चुनौती भी ला करके खड़ा करता है। वो परीक्षाएं पार करने के बाद में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस, लिमिटलेस सक्सेस लाइफ में मिलता है, वही चीज़ इनके साथ भी है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव पीपल सराउंडिंग से बचना है, नेगेटिव किसी भी तरह की एडिक्शन अपनाना नहीं है, जितना हो सके कूल, काम, वर्कोहोलिक लाइफ में ज़्यादा रहना है। कोई राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट और इवन शिव जी की आराधना से भी तमाम तरह की ऐसी आपदा, विपदा, बाधा, ऐसे जो योग है, ये सब पूर्ण रूप से कटते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आते हैं इनके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक तरीके से जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देती है, क्योंकि फिंगर के बीच में आप देखेंगे गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है। हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते नहीं फिरते ऐसे लोग, हर किसी से बात करते हुए, हर किसी के साथ उठते बैठते नहीं दिखेंगे। इनका अपना तौर तरीका रहेगा जीवन जीने का, अपना इनका व्यक्तित्व रहेगा। एक फ्रीडम लवर टाइप का नेचर होने के कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या दब करके रहने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। इसी कारण से यह इंडिपेंडेंट टाइप नेचर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। यही एकमात्र कारण भी है कि थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल बहुत अच्छा है, कि जो चीज़ जीवन में ठान ली
वो चीज़ कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे और ये पूरा बल मंगल का आ रहा है। जब हनुमान जी को अपनी योग्यताओं के बारे में नहीं पता था तो वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जैसे उन्हें योग्यताओं का पता चला तो पूरा विश्व जानता है कि फिर क्या हुआ। वैसे ही जब किसी का मंगल अच्छा होता है तो इनको सिर्फ अपने आप से वाकिफ होने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसे जातक जब कुछ ठान लेते हैं या जिद पर आ जाते हैं तो मंगल की तीव्रता होने के कारण ऐसे जातकों का वो काम निश्चित रूप से पूरा होता है। अब आप इनके व्यक्तित्व में देखिएगा कि जब इनके अनुसार काम नहीं होगा या इनका मन की इच्छा पूरी नहीं होगी या जहाँ इनका फोकस है उसके रिगार्डिंग काम नहीं होगा, पूरा विचलन आ जाएगा व्यक्तित्व में, पूरा फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, कन्फ्यूज़न और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या एग्रेशन, ऐसी सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ऐसे जातक को जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए, कोई तकलीफ परेशानी वाली बात होती नहीं है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है शॉर्ट थंब प्लस यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है कि जो भी ठानेंगे, जो भी सोचेंगे, जैसा विजडम रखेंगे, जैसा एम्बिशंस रखेंगे, वो सब लाइफ में इनके डेफिनेटली फुलफिल हो जाने वाला रहेगा। इसीलिए बार बार बतलाया गया कि अच्छी संगत, आदत, सोच यहाँ पर रखना ज़रूरी है। जो चीज़ ठानेंगे, सोचेंगे, सब जीवन में इनके मिलने वाला है। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है जिसके कारण कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। कोई हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूती से दूसरों के सामने रखते हुए देखने को मिलते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, अपनी बात को सही ढंग से समझा सकना, ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा हो जाता है कि बहुत ईजिली किसी को मैनिपुलेट करने में या कन्वेंस करने में सक्षम देखने को मिलते हैं। ये बिजनेस लग देता है तो अपना खुद का एम्पायर भी आगे चलकर ये खड़ा कर सकते हैं किसी भी लाइन में। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, इसीलिए कोई भी नया काम करने से या अनकंफर्टेबल जोन में रहने से या संघर्ष मेहनत करने से पीछे मत हटेगा। यही सूर्य आपका बल व ताकत बनेगा। यह सूर्य व्यक्ति को तप करवाते हैं, तपस्या करने के बाद जाकर के राजा तुल्य जीवन शैली देते हैं। इसीलिए जब जब विपरीत परिस्थिति आए, जब जब आप अकेले पड़े, तब तब समझ जाएगा कि बहुत बड़ा राजयोग निर्मित हो रहा है, बहुत बड़े स्तर का लाभ मिल रहा है। इसलिए आगे से रह करके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और अपने काम को बढ़ाने की, यानी अपने टैलेंट स्किल को बढ़ाने की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। और सूर्य रेमेडी के बाद में सभी योग अच्छे खासे निर्मित हो जाएंगे, बहुत अच्छे लीडर बनते हुए भी आप देखने को समय के साथ में मिलेंगे। अभी तो फिंगर पे कोई भी स्पेसिफिक सीधी खड़ी रेखाएं नहीं है जो बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक स्वभाव दे, सभी से कुल मिलाकर के सम तौर तरीके का संबंध रखते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ेगा, किसी भी विषय को लेकर ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगेगा, जब आंतरिक स्तर पर सकारात्मकता आएगी तो बाहरी स्तर पर भी दिखेगी, तब जाके सीधी खड़ी रेखा बढ़ेगी जो फ्रेंड सर्कल या कम्युनिकेशन या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होना फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। ऐसे जातक अपने फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अपने परिवार के लिए डिवोशन, डेडिकेशन या कह लें किसी तरह का समर्पण रखने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के नोट्स अभी डेवलप क्लियर कट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छे होने लगेगा, जिसके कारण स्पष्टवादिता और हर विषय को लेकर की मेजर क्लैरिटीज लाइफ में आने लगेगी। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, शुक्र बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपका ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल लाइफ स्टाइल और सीमन क्वालिटी भी इवन शुक्र के कारण रहने वाला है। तो किसी विषय में कोई कमी ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं देता है। थंब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रखा है आपका, एग्रेशन जब आएगा तो बहुत तीव्रता का आएगा, इसलिए अपने आप को कूल काम रखना, अपने अंदर बातों को ना रखते हुए एक्शन ओरिएंटेड लाइफ में ज़्यादा रहना और लगातार लर्निंग हैबिट रखना आपको सभी तरह की नेगेटिविटीज से यहाँ पर बचाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वेरिश हैंड दोनों में आ रहा है, जिसके कारण इसे मिक्स हैंड यहाँ कैटेगरी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि शारीरिक हो या मानसिक किसी तरह के पराक्रम, मेहनत, कर्म से पीछे नहीं हटेंगे और माइंड लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट है जो स्किल्ड फुल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है और अपने स्किल स्पेशलाइजेशन से ही सक्सेस पाते हैं, अर्निंग करते हुए, वेल्थ क्रिएट करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शॉर्ट और वह स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देता है या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगवाता है। इस कंडीशन में एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है, इसीलिए आपके लिए स्पोर्ट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है।
जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ ओवरऑल अच्छी है, कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, लेकिन माउंट डेवलप है, इसलिए आपको सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या आपके एल्डर के द्वारा या कह लें आपके जो कोच या टीचर रहेंगे उनके द्वारा सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में मिलने वाला रहेगा। सैटर्न पे भी कोई लाइन नहीं है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इवन जो लोग लिमिटलेस सक्सेस अपने लाइफ में गेन करते हैं उनके पाम में तो लक लाइन होता ही नहीं है, क्योंकि वो इस बात को दर्शा रहा होता है कि आप जीवन में एक नियमित स्तर तक ही सफल नहीं होंगे। जब कोई अनियमित स्तर तक उन्नति करता है अपने जीवन में, तब भाग्य रेखा में कहीं ना कहीं ऐसी हमें गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी जो लक लाइन है वो सिर्फ दिखने की लक लाइन है, लेकिन ये लक लाइन भी इंडिकेट कर रही है कि इनफ गेन सक्सेस और अपने सोच से कहीं गुना ज़्यादा सफलता आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि सैटर्न पे लक लाइन नहीं पहुँच रहा या सैटर्न पे लाइन ही नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म पे ही ध्यान देना है। कभी भी जब भी आपने अपने लाइफ में टारगेट बनाया आप वो अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि सैटर्न आपको वो करने की प्रेरणा ही नहीं देंगे कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का नेचर रखिए या अपने विषय में लिमिट लगाइए। ये निष्काम कर्म का बहुत अच्छा चिन्ह है कि लगातार करिए। बड़े बड़े स्तर के जो सफल लोग हर क्षेत्र में देखने को मिले तो इस तरह की लाइन हमेशा गैप पाई गई है, नहीं मिला है ये रेखा, क्योंकि ऐसे जातक को खुद ही नहीं पता होता है कि क्या करना है कैसे करना है, बस करते चले जाते और महारत हासिल होता जाता है। ये ब्लेसिंग होता है सैटर्न का। इसके बाद में सन की कंडीशन थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन पिता की बात सुनना या पिता के द्वारा सपोर्ट मिलने जैसे योग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। पिता को बहुत ज़्यादा मानने वाले भी यह रहेंगे, और पिता यहाँ पिता का तात्पर्य सिर्फ फादर फिगर नहीं है, पिता का तात्पर्य यहाँ पर फॉर फादर भी है, पितृ पूर्वज भी है। सबका कर्म लेकर के आए हैं, सबका सम्मान बढ़ाने के लिए लाए हैं। अगर इन फ्यूचर इधर पे डेफिनेटली बनना ही है, स्क्वायर का साइन बनता है और प्रोमिनेंटली, तो बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी क्रिएट करने की संभावनाएं देखने मिल जाएगी। तो यहाँ इस तरीके के सन में सिर्फ प्रिंसिपल को अपनाना है लाइफ में, कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है, सब चीज़ अपने आप आपको मिलता जाएगा। आउटर मार्स से आती हुई रेखा सेनापति योग का निर्माण करता है, मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर के, और इसका तात्पर्य ये भी होता है कि ऐसे जातक अगेन जिस विषय में आगे बढ़ना चाहें लगातार अपॉर्चुनिटी सक्सेस मिलता है। क्योंकि सेनापति योग का तात्पर्य ही ये है कि टारगेट जो भी हो लाइफ में, फोकस जो भी है वो अचीव करना है, दैट्स इट। तो इस रेखा में थोड़ा मेहनत संघर्ष जरूर पाया जाता है, लेकिन पूर्व पुण्य रेखा होने के कारण जीवन में सभी कर्मों का पूर्णतः फल सकारात्मक मिल जाता है। मरकरी माउंट पे स्पेसिफिक लाइन या साइन नहीं है, थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, समय के साथ में ये सभी तरह की चीज़ें बढ़ेगी। हृदयरेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लटी रोमांटिक नेचर भी देगा। तो यहाँ पर जब हमने राहु की बात की और यहाँ पर जब हमने शुक्र को भी देखा, तो गलत संगत आदत लोगों का तात्पर्य इसमें यह भी है कि रिलेशनशिप में जल्दी नहीं जाना है। जल्दी जाने का तात्पर्य जब तक करियर पूर्ण रूप से स्टेबल ना हो जाए तब तक रिलेशनशिप जैसी चीज़ों से डिस्टेंस रखना है, क्योंकि ये शुक्र का बल इतना ज़्यादा है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ईजिली कर सकता है कुछ प्लेजर्स के लिए। तो थोड़ा इस विषय में अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र का काम ही है मटेरियलिज्म, प्लेजर, लग्जरीज, ये सारी चीज़ों को देना, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें मेनली क्या चाहिए, सिर्फ प्लेजर चाहिए कि ओवरऑल शुक्र के सारे गुण चाहिए। तो अगर प्लेजर को कुछ समय स्किप किया गया तो एट द एंड मटेरियलिज्म, वेल्थ, लग्जरी सब कुछ लाइफ में अचीव हो जाता है। हृदय रेखा थोड़ी सी फैल करके चल रही है, मन के अंदर कहीं ना कहीं बात दबाने के कारण भावनात्मक बहुत बार तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप का नेचर ना रखें। आपका माइंड लाइन भी एट द एंड आके बायफोर्क हुआ है, तो एट द एंड आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल और फायदेमंद होने का सोचिए, अपने आप का फ़ायदा पहले देखने का सोचिए। तो इस कंडीशन में आपको इमोशनल ट्रबल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, और वैसे भी जब रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे तो ये सब स्ट्रगल फेस ही नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में दिल का साफ व्यक्ति तो देखने को मिल रहा है। जब भी मंगल का कनेक्शन माइंड से इस तरीके से होता है तो थोड़ी बेचैनी, जल्दबाजी, उतावलापन होता है, लेकिन धीरे धीरे कर मानसिक बल बढ़ रहा है। हनुमान चालीसा डेली बेसिस पे करिए, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आपके ख़त्म हो जाएगा। और एट द एंड माइंड लाइन में जब बायफोर्क बनता है तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है। और अगर मरकरी लाइन यहाँ प्रॉपरली डेवलप होगी इन फ्यूचर तो ये मल्टी मिलियनर का साइन होता है, जिसमें व्यक्ति अपॉर्चुनिटी अच्छा ग्रैब करते हैं, ऑर्गेनाइज जैसे काम करते हैं, अपने एम्पायर खड़ा करने के पीछे फोकस रखते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस होने के कारण, एक्यूरेट डिसीजन लेने के कारण यह इतना ज़्यादा लाभ देता है।
इसके बाद में लाइफलाइन की कंडीशन फिर से आए तो यहाँ पर देखेंगे ये जो अपग्रेडेशन हुआ है ये बेसिकली स्टार्ट तो 30 की उम्र से हुआ है, लेकिन इसका पूरा असर 35 से 7 के मिड में आएगा। और फिर देखिए कोई भी वरी लाइन यहाँ पर नहीं है। सपोर्टिव लाइन जैसे गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा कहते हैं, हमेशा लाइफ में जब ये अवेलेबल होती है तो मेजर स्ट्रगल, लॉसेज या एक्सीडेंट से बचा देती है। अपनों के द्वारा, दूसरों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, ये सब तरह के संघर्ष से आपको बचाव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में सबसे अच्छी बात ये देखिए पाम में कि बहुत नियमित रेखा है, तो जिसकी नियमित रेखा होती है या कम रेखा होती है, लाइफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि उतने कम झंझट, उतनी कम चिंता, उतनी कम भागा दौड़ी जीवन में देखने मिलती है। शुक्र का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, शौकीन किस्म का नेचर देगा ये, बड़े शौक, बड़े अरमान, बड़ी इच्छाएं, बहुत ज़्यादा रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी डेवलप करने के कारण ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, यूनिक चीज़ें ही पसंद आना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना। ओवरऑल ये शुक्र आपको फेम बहुत अच्छा दे सकता है, बस इसका नेगेटिव यूटिलाइजेशन नहीं करना है। इसके बाद में केतु की एनर्जी आपके पाम में नॉर्मल है और चंद्र की स्थिति अच्छी जा रही है, जैसी सोच रहेगी वैसी बरकत जीवन में मिलेगा। चंद्र पे जब चिंता रेखा, बाधा रेखा नहीं होती है तो ऐसे जातक का मन का जीवन में सब कुछ पूरा होता है, मन से बहुत अच्छा जीवन में मिलता है, क्योंकि चंद्र यहाँ मन का कारक है, समाज का कारक है, जीवन में सुकून शांति का कारक है, माँ का कारक है, सभी स्थितियों से लाभ आपको बहुत अच्छा है। इसके बाद में यहाँ पर मरकरी लाइन और अभी डेवलप होना बाकी है, अभी बहुत कच्ची है ये, तो जैसे जैसे स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट डेवलप होगा, ये लाइन डेवलप होगी और उसके कारण पैसा आना, रुकना, बचना, मनी ट्रायंगल देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, स्क्वायर का साइन बिल्ड कराएगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि सेम लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, उतावलेपन में, बेचैनी में काम करने से अभी आपको बचना है, वो सब आपको हनुमान जी की आराधना से प्राप्त हो जाएगा। बायफोर का कॉम्बिनेशन अगेन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल, इमोशनल, जहाँ जैसा नेचर रखने की ज़रूरत है समय के साथ साथ आप वैसा ये सब कुछ सीख जाएंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है तो आपके नाम की प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या किया गया काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको सुन करके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये सब तरह की रेखाएं दर्शा रही हैं कि आपका वर्तमान स्थिति से लेकर आने वाला भविष्य कैसा है। अगर इसमें इन्हीं सारे चिन्हों को आप मजबूत करना चाहते हैं तो किसी भी तरह का घमंड और बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के चलना, इन सारी चीज़ों से हट, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर आपको बाधित होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत और नेगेटिव लाइन आई तो सबके असर यहाँ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डराने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको सावधान किया जा रहा है कि ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, ईश्वर बहुत बड़े स्तर की आपको तरक्की दे और ये सब जो आज हम देख रहे हैं ये सब भविष्य में हमें होता दिखे, तो उसके लिए सावधानी है कि ये सब जानते हुए भी सिर्फ कर्मबद्ध होने की और लगातार प्रयत्न प्रयास करने की और कर्म को ही पूजा मानने की ज़रूरत है। सब कुछ जीवन में और आपकी क्षमता, आपकी इच्छा, सबसे बहुत ज़्यादा ईश्वर आपको देने वाले हैं। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।